विशिंग यू ऑल अ वेरी स्वीट मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा पर्यावरण कक्षा 6, 7 और 8 पाठ 4 जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं जल के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे शरीर का संगठन 70% जल से बना है। केवल हमारा शरीर ही नहीं अपितु हमारी पृथ्वी भी 2/3 जल से आच्छादित है। जल, वायु और भोजन हमारे जीवन रूपी इंजन के ईंधन हैं। एक के भी न रहने पर जीवन संकट में पड़ सकता है। जल ही जीवन है यूं ही नहीं कहा जाता है। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं तो पानी हमारे अस्तित्व की नींव है। मानव शरीर को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम पूरे 1 सप्ताह तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 3 दिनों तक भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा हमारे शरीर में भी 70% पानी शामिल है। बदले में यह हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। तो आइए आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपके अच्छे कार्य की प्रशंसा कोई करे या ना करे, आपको दुनिया में सम्मान मिले या ना मिले, इसका अर्थ यह नहीं कि हम अच्छा काम करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे व्यक्तित्व को दूसरों के सामने उजागर करते हैं। इसलिए अच्छा कार्य करते रहिए। इसी प्रेरणादायक शुरुआत के साथ ये रहा हमारा अध्ययन कार्य। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में जल एक प्रमुख संसाधन है। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि किसी गमले में लगे पौधे में 2 दिन पानी ना डालें तो वह मुरझा जाता है। यदि हम मछली को जल से बाहर निकालें तो वह मर जाती है। सभी जीवधारियों के जीवन के लिए जल आवश्यक है, अर्थात जल ही जीवन है, तथा जल द्वारा ही हमारा, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का जीवन संभव है। हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए भी जल बहुत आवश्यक है। प्रकृति में जल निम्नलिखित 3 रूपों में मिलता है। पहला है ठोस, यानी बर्फ। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। दूसरा है द्रव, यानी पानी। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। और तीसरा है गैस, यानी भाप। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। आइए जानते हैं कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी पर जल के भंडार को जल मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर महासागरों, झीलों, नदियों, हिमनद तथा जलाशयों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग खारे समुद्री जल के रूप में है। समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण इसका स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता। शेष 2.4% जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में तथा 0.6% जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। समुद्री जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल, जो कि हिम टोपियों, ध्रुवीय क्षेत्रों पर जमी बर्फ के पिघलने से, वर्षा से मिलता है, तथा नदियों में प्रवाहित धरातलीय जल, जमीन के नीचे स्थित भूगर्भिक जल, मिट्टी में उपलब्ध नदी के रूप में मृदा जल, झीलों, तालाबों और पोखरों में स्थित जल मीठा या ताजा जल कहलाता है। क्योंकि इनमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण यह जल पीने योग्य होता है, परंतु दूषित होने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित सारा मीठा जल पीने योग्य नहीं है। प्राकृतिक रूप से जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा का यह जल नदियों, नालों आदि से होता हुआ समुद्र में मिल जाता है। पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला है धरातलीय स्रोत, दूसरा है भूमिगत स्रोत और तीसरा है हिमनद। अब हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है धरातलीय स्रोत। पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें,
तालाब आदि। समुद्र। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों तथा सागरों में है। समुद्र का जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तथा ये जीव समुद्री जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। समुद्र के जल में नमक पाया जाता है। मानव द्वारा निरंतर दूषित पानी एवं अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डालने के कारण समुद्र का जल प्रदूषित हो रहा है, जो कि समुद्री जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। नदी, तालाब एवं झील। नदी, तालाब एवं झील मीठे जल का स्रोत है। झीलें खारे पानी की भी होती हैं। नदियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों के जल का स्रोत प्रायः हिमनद, झरना या वर्षा का जल है। अधिकांश नदियों का जल दिन प्रतिदिन मानव द्वारा गंदा किया जा रहा है। हमें इन नदियों को स्वच्छ रखने हेतु मिलकर प्रयास करना चाहिए। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना ही होगा। प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। ये आपके प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इन दोनों मुख्य नदियों के साथ ही अन्य नदियों का जल भी इतना अधिक प्रदूषित है कि यह पीने लायक नहीं है। आइए चर्चा करते हैं भूमिगत स्रोत पर। धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित होता रहता है। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुओं, हैंड पंपों, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। भूमिगत जल का मानव द्वारा दोहन करने से जल स्तर नीचे होता जा रहा है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों एवं खेतों में रोककर भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना जल पुनर्भरण या रिचार्ज कहलाता है। कुओं का जल मानव द्वारा प्रदूषित होता रहता है। हमें कुएं से पानी निकालते समय साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। कुएं के आसपास नहाते या कपड़े धोते समय इस बात का ध्यान रखें कि गंदा पानी कुएं में ना जाए। हैंडपंप वहां नहीं लगाने चाहिए जहां से सीवर लाइन जा रही हो। ऐसा करने पर सीवर का गंदा पानी हैंडपंप के पानी से मिलकर उसे दूषित कर देता है, जिसका उपयोग करने से हम विभिन्न रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए हैंडपंप लगने वाले स्थान पर पानी के निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखें और करें। आपके स्कूल में हैंडपंप होगा। आप हैंडपंप को ध्यान से देखें कि उसके आसपास गंदगी तो नहीं है, जल निकास की उचित व्यवस्था है या नहीं। इसी प्रकार अपने आसपास के हैंडपंपों, कुओं को भी देखें। आवश्यकता पड़े तो हैंडपंप की समुचित व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान से मिलें। इसी प्रकार मित्रों के साथ मिलजुल कर अपने गांव और मोहल्ले के जल स्रोतों की गंदगी दूर करें और उन्हें स्वच्छ रखें। आइए चर्चा करते हैं हिमनद पर। पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हैं। ये बर्फ पिघल कर पर्वतीय ढालों से हिमनद के रूप में नीचे की ओर बहती है और नदियों में मिल जाती है। यह पृथ्वी की धरातलीय सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है। यह जल प्रायः स्वच्छ एवं मीठा होता है। विभिन्न गतिविधियों में जल की आवश्यकता, आइए देखते हैं। मनुष्य के जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल आवश्यक है। जल का उपयोग कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में किया जाता है। चलिए देखते हैं जल के उपयोग क्या क्या है। कृषि में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की फसल, अनाज व सब्जी उगाने में जल का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर उपयोग होने वाले जल की 70% मात्रा केवल सिंचाई में प्रयुक्त होती है। मीठे जल में व्यावसायिक मत्स्य पालन भी जल का कृषि उपयोग माना जाता है। आइए देखते हैं औद्योगिकी क्षेत्र में जल का उपयोग क्या है। जल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में जल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संयंत्र में जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। खाद्य पदार्थ एवं दवाओं के बनाने में जल का उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में, घरों में विभिन्न कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जैसे नहाने, कपड़ा धोने, पीने व खाना बनाने में तथा बागवानी आदि में। मनोरंजन में वाटर पार्क, झरने, झील, विभिन्न जलाशयों का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। पर्यटक इन स्थानों पर जाकर तैराकी, राफ्टिंग यानी नाव खेना आदि करके आनंद लेते हैं। सफाई में,
अपने घर तथा परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको एहसास जरूर हुआ होगा कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए पानी का मोल पहचानते हुए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए। कुछ हमारे कर्तव्य और दायित्व भी हैं, जैसे कि आप अपने आसपास के परिवेश में अगर नल को बहता देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस नल को बंद भी कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समर का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है और आपने अपने पड़ोस में जरूर देखा होगा कि लोग समर चलाकर भूल जाते हैं कि टंकी भर चुकी होगी और पानी व्यर्थ बहता रहता है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें इस बात से अवगत करा दें कि पानी व्यर्थ बह रहा है, टंकी भर चुकी है, समर बंद कर दें। डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।